लाइट दे। बहुत दिल से करती हूँ जो करती हूँ, अपने हाथ से करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है साल के बाद एक मित्र, एक बड़े भाई मिलने आए हैं घर पे और सब आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो एक बहुत खुशी का माहौल होता है और बिल्कुल शादी जैसा लगता है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सब कुछ पापा की देन है और हम लोग यहाँ पे मुंबई से नहीं थे, तो जब मैं आती थी यहाँ पर छुट्टी मनाने तो ये जो गणेश उत्सव होता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी हाईलाइट हुआ करता था कि ज़रूर देखना, और हम बीच पे आते थे सब बच्चे विसर्जन देखने के लिए। और जब हम यहाँ आए तो सबने दोस्तों ने कहना शुरू किया कि आप भी अपने घर पे रखें, और जैसे ही पापा घर आए मुझे लगता है उन्होंने कह दिया कि अब हर साल आएंगे सर। इस बार बहुत रंग बिरंगे मोदक हैं और अलग अलग फ्लेवर्स के और चॉकलेट फ्लेवर्स के, लेकिन कुछ जो ओरिजिनल बात होती है वो तो वही होती है, और मेरी माँ बहुत प्यार से पंजाबी हलवा भी बनाती हैं तो वो पापा को हम ज़रूर खिलाते हैं। कहते हैं कि जब खुला वक्त होता है तो लोग भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा वक्त, कभी मुसीबत है पापा ने आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला? हर वक्त होता है और हर एक के साथ होता है कि जब आप मुसीबत में होते हो तो आप भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन खुशी में तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना वो भी बहुत ज़रूरी है। पापा खुद ही देते हैं, उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारा प्यार मुझे अपनी ऑडियंस से मिलता है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पापा का सबके लिए। गणपति बप्पा मोरिया, थैंक यू। अच्छा बाप।